सो हेलो फ्रेंड्स, आज की बैटल वीडियो होने वाली है घोस्ट राइडर और हल्क के बीच। इस बैटल वीडियो को मैं 4 राउंड्स में कंपेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बैटल को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हम ये राउंड्स किस बेसिस पर करने वाले हैं। सो राउंड 1 है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, राउंड 2 है ड्यूरेबिलिटी, राउंड 3 है मोर्टिलिटी एंड फाइनल राउंड यानी कि राउंड 4 है सुपर नेचुरल पावर्स। सो लेट्स स्टार्ट राउंड 1, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। सबसे पहले बात करें हल्क की, तो उसके स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। नो डाउट कि उसके एक सिंगल पंच से मैसिव ऑब्जेक्ट को रोक दिया था, तो वहीं बराबरी के टक्कर देने वाले एमोबिनेशन को भी डिफीट किया था। हल्क एक सिंगल क्लैप से बर्निंग हेलीकॉप्टर को बुझा सकता है। हल्क रैग्नारोक ने भी गॉड ऑफ थंडर को भी डिफीट किया था और उसने थॉर का सबसे बड़ा थंडर अटैक भी सर्वाइव किया था। हल्क बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को उठाने और डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। अब बात करें घोस्ट राइडर की, तो इसके पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। घोस्ट राइडर कैपेबल है एक हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय करने में, तो वहीं वो अपनी बाइक से लॉन्ग हाइट बिल्डिंग पर से जंप कर सकता है। लेकिन मूवीज में घोस्ट राइडर की पूरी स्ट्रेंथ को रिवील नहीं किया गया है। और एक और कारण है कि अगर उसने अपनी स्ट्रेंथ और पावर को फुल्ली रिवील कर दी तो वो अपनी ह्यूमन एंटिटी को खो सकता है। सो राउंड 1 के रिजल्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट राउंड 2, ड्यूरेबिलिटी। हल्क की बात करें तो हल्क के पास ड्यूरेबल बॉडी है जो कि उसे एंगर से बढ़ने से ग्रो करती है, लेकिन घोस्ट राइडर के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। सो राउंड 2 के रिजल्ट्स हैं। राउंड 3, मोर्टिलिटी। फिर से हल्क की बात करें तो मॉर्टल यानी कि ये अमर नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी वार में थैनोस ने हल्क को काफ़ी बैडली बीट किया था जिससे उसके शरीर का काफ़ी ब्लड भी ड्रेन हुआ था। अगर उसे टेलीपोर्ट नहीं किया जाता तो थैनोस ने उसे मार दिया होता। एंड गेम में भी हल्क बहुत कमज़ोर नज़र आता है। अब हम बात करें घोस्ट राइडर की, तो वो इमॉर्टल है जिसे नहीं मारा जा सकता। घोस्ट राइडर ने ट्रक अटैक, रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड और अलग अलग हैवी अटैक्स को सर्वाइव किया। सो राउंड 3 के रिजल्ट्स हैं। राउंड 4, सुपरनैचुरल पावर्स। सुपरनैचुरल पावर्स का हल्क से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं। ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने से हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था, जो कि एक साइंटिफिक रीजन है। वही बात करें घोस्ट राइडर की, तो इसका बर्थ सुपरनैचुरल एक्टिविटी से रिलेटेड है। घोस्ट राइडर के पास है बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर्स जैसे कि अनलिमिटेड फायर, स्कल बॉडी, माइंड पावर्स। सो राउंड 4 के रिजल्ट्स हैं। सो फाइनल रिजल्ट्स हैं। मेरे हिसाब से तो इस बैटल में घोस्ट राइडर जीतेगा।